बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उमर फ्रॉम कार मास्टर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2021 में आने वाली गाड़ियों के बारे में। ये गाड़ियाँ कौन कौन सी होंगी, इन गाड़ियों के अंदर हमें फीचर्स कौन से मिलेंगे, प्राइसेस क्या दी जाएंगी हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, इन गाड़ियों की तमाम डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो नई गाड़ियाँ लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहली गाड़ी कौन सी है जो जनवरी में पाकिस्तान में आ रही है। जी हाँ, तो जो सबसे पहले गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगी 2 जनवरी 2021 को, उसका नाम है यूनाइटेड अल्फा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस गाड़ी का नाम चेरी QQ है और पाकिस्तान में चेरी पहले भी इस गाड़ी का पुराना मॉडल लॉन्च कर चुकी है, लेकिन फिर वो फ्लॉप हो गया था। अब नया मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ और यूनाइटेड के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान में इस गाड़ी को लॉन्च करना है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है सुजुकी आल्टो, प्रिंसिपल, किया पिकांटो और सुजुकी कल्टस जैसी गाड़ियों को। 1000cc सब कॉम्पैक्ट सेडान कार है। 2 तारीख को इसका लाइव सेशन हमारे चैनल के ऊपर दिखाया भी जाएगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस गाड़ी की तमाम डिटेल, जो जो इसके अंदर फीचर्स हमें पाकिस्तानी मार्केट में दिए जाएंगे, वो आपको इसी चैनल के ऊपर बताए जाएंगे। यूनाइटेड ने पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी को दिसंबर में लॉन्च करना था, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अब 2 जनवरी 2020 को इस गाड़ी का लॉन्च हो जाएगा। इस गाड़ी की एक्सपेक्टिंग प्राइस 15 लाख रुपए है, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस गाड़ी को 15 लाख में ख़रीदेंगे या नहीं। जी, तो जो दूसरी गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगी वो टोयोटा की तरफ से आ रही है, टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड। और ये गाड़ी SUV है, 7 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी है। इस गाड़ी के थाईलैंड से CBU यूनिट्स ही मंगवा के पाकिस्तान में सेल किए जाएंगे, लोकली असेंबल ये गाड़ी पाकिस्तान में नहीं होगी। 85 लाख रुपए इस गाड़ी की कीमत बताई जा रही है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। ये गाड़ी कम्पीट करेगी होंडा वेजल HR-V के साथ, निसान जोक, सुजुकी विटारा वगैरह के साथ। 85 लाख रुपए में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाती हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर की आ जाती है, टोयोटा रिवो की आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास हो जाती हैं वहाँ जाके। क्या आप फिर भी 85 लाख रुपए में एक SUV की तरफ जाएंगे या दूसरी गाड़ी खरीदेंगे फॉर्च्यूनर जैसी, या आप थोड़ा सा अपनी रेंज को नीचे ला के एक सस्ती गाड़ी MGHS या स्पोर्टेज की तरफ जाएंगे? ज़रूर नीचे का आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है। इस गाड़ी का लॉन्च भी 15 जनवरी तक होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो यह आपकी च्वाइस है, ज़रूर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जी, तो अगली गाड़ी जो कि तीसरी गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगी वो हुंडई की तरफ से आएगी और इसका नाम है हुंडई एलंट्रा। ये कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की गाड़ी है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ तो टोयोटा करोला और होंडा सिविक की बहुत ज़्यादा सेल गिरने वाली हैं इस गाड़ी के आने की वजह से पाकिस्तान में। और मे भी जो लोग टोयोटा यारिस का टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट और होंडा सिटी का टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट लेने वाले हैं, उनकी भी सेल काफ़ी ज़्यादा गिर जाएँ और वो इस गाड़ी की तरफ जाएँ, क्योंकि हुंडई एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, तो पाकिस्तान में भी अब अपनी गाड़ियां ऑफर कर रहा है। तो इस गाड़ी के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलेंगे। 28 से 35 लाख के दरमियान इसकी गाड़ी की प्राइस हो सकती है। बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में आएगी। लिंक आपको इस गाड़ी के डिटेल रिव्यू का डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लगा दिया जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये गाड़ी भी जनवरी 2021 के एंड तक पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जा सकती है हुंडई की तरफ से। हुंडई की टक्सन पहले पाकिस्तानी मार्केट में आ चुकी है, जिसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा आया है पाकिस्तानी मार्केट में। अब देखते हैं हुंडई एलंट्रा पाकिस्तानी मार्केट में क्या करती है। मेरे ख्याल से 28 से 35 लाख तक इस गाड़ी के मुख्तलिफ वेरियंट होंगे और इसकी प्राइसिस यहाँ तक आ गई तो बहुत ही अच्छी प्राइस में यह गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च होगी और बाकी गाड़ियों की मार्केट काफ़ी ज़्यादा कम होगी, लोग उनको लेने के बजाय हुंडई की तरफ ज़्यादा जाएंगे। ज़रूर इस गाड़ी का भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये प्राइस टैग ठीक है या नहीं। मैं आज रहूँगा एक बेहतर अच्छी वीडियो के साथ। दिस इज़ मी उमर साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर लें। अपने शोरूम या अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए नीचे दिए गए ईमेल पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।